गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है करवा चौथ और अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ। अभी मुझे जाना है ऑफिस और सारा नाश्ता वगैरह कंप्लीट करके जाना है, काम वगैरह सारा। तो मैं सबसे पहले वो ख़त्म करूँगी और मैंने ज़्यादा तो कुछ मेहंदी लगवाई नहीं थी, मैंने बस यही लगाई है, मुझे इतना टाइम मिल पाया। अब कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बस मुझे एक वीडियो शूट करना था जो कि लेट होता जा रहा था, बट फाइनली कल मैंने कर लिया रात में और वो ख़त्म करते करते भी मुझे टाइम लग गया। बस बाकी मैं अभी रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी। हो चुका है, बहुत ही सिंपल एंड सटल सा मेकअप रखा है। ये वाला मैंने सूट पहना है काफ़ी टाइम के बाद, पहले था कि मैं नया सूट परचेज़ करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सूट ऐसे रखे हैं जो मैंने दोबारा रिपीट भी नहीं किए हैं, क्योंकि मैं उतने सूट वगैरह नहीं पहनती हूँ। और कुछ सूट उनमें से ऐसे थे जो मुझे किसी को देने पड़े बिकॉज मैं नहीं पहन पा रही थी। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा कपड़ों पे पैसे वेस्ट ना करूं, और अगर करने हैं तो ऐसी चीज़ पे करूं जो मैं पहन सकूं। और मैंने सूट नहीं परचेज़ किया, सूट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थे तो मैंने वही पहन लिया। तो ये वाला अभी मैंने पहना हुआ है, मैं पूरा लुक आपको दिखा दूँगी। कथा मैंने पढ़ ली थी और ये मेरी थाली यहाँ पे रखी हुई है, मैंने नीचे रखूँगी तो मैक्सेस में से मिठाई उठा के भाग जाएगा, तो इसलिए उससे बचाने के लिए ऊपर रखी हुई है। कथा तो मैंने ऐसे ही पढ़ ली थी, अभी मैं रात में ही तैयार होंगी एक बारी, उससे ज़्यादा की अभी हिम्मत नहीं है। अब मैं फटाफट अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय, थोड़ी चाय पी के आएगी एनर्जी, उसके बाद बनाएंगे रात का खाना। आके मैंने लंच बनाया था चेतन के लिए, क्योंकि सुबह मैं रोटी बना के गई थी उसके लिए और उसका रोटी खाने का मन नहीं था, तो फिर मुझे वापस से चावल बनाने पड़े। थोड़ी एनर्जी लो है, हिम्मत थोड़ी इतनी फील नहीं हो रही है मुझे, मुझे ना थोड़ा लो सा फील हो रहा है, तो मैं भी चाय पी के थोड़ा मीठा चला जाएगा अंदर, दूध चला जाएगा तो जान आ जाएगी। और बैठी नहीं हूँ मैं, जब से ऑफिस से आई हूँ ना मैं लिटरली बैठी नहीं हूँ, और मेरे पैर अब दुख रहे हैं, तो मुझे बस चाय चाहिए और 10 मिनट आराम मेरी चाय। यही होता है, मैं इसीलिए हर बार ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ मैं ब्लॉग के चक्कर में चाय निकल गई मेरी। बस अभी फटाफट पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद आराम से बात करेंगे। भैया जी दिए पत्ते बैठे, ये नहीं दिए पत्ते बैठो, और ये बोल के ना लगा क्या चल रहा है, मोनोपोली प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। इतना रेंट क्यों मांग रहे? 2 मिलियन रेंट, 10 मिलियन आया देख, 2 के बदले आने के। हाँ दो बातें रहने दो ना, मैंने दे दिए ठीक है, मेरा माफ है, इधर दे। बताओ करवा चौथ और बीवी से पैसे ले? आज तो नहीं लेना चाहिए, आज नहीं लेना चाहिए था चेतन तेरे को, ऐसा ऐसा हस्बैंड है करवा चौथ के दिन भी बीवी से पैसे मांग रहा है। मैं व्लॉग कर रही थी, जिम बॉडी पड़ी है, जला उठना पड़ेगा। खाना वाना बनाना
मेरा हो गया है कंप्लीट और अब मैं फटाफट चेंज करने लगी हूँ। चांद निकल गया है, चेतन अभी गया हुआ है जिम, बस वो भी वापस आने वाला है 15-20 मिनट में। मेकअप वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगी, सुबह वाला मेकअप यही चल रहा है, मेरे में एनर्जी भी नहीं है अब कुछ करने की। बट यार मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ। मैं सोच रही थी लहंगा पहनने के लिए और बीच में मुझे ऐसे हुआ कि नहीं यार नहीं पहनना है, इतनी एनर्जी नहीं है वो। बट ठीक है, यही दिन होते हैं साल में एक बार, एटलीस्ट ये यूज़ भी हो जाए। मेरी शादी का लहंगा है, लास्ट मैंने अपनी शादी में पहना था ये और उसके बाद से ये कभी नहीं पहना, तो आज मैं इसी को पहनने वाली हूँ अभी। एंड सुबह वाला मेकअप भी ऑलमोस्ट ये ठीक है, कुछ अगर ऐड ऑन करना होगा तो मैं ऐड कर लूँगी। ऐसे तो मैं रेडी हूँ, मुझे बस ये पल्ला टक करना है। एंड ये देख लो, एक हाथ पे मेहंदी है, एक हाथ पे मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था ऑफिस से आके तब मैं लगाऊंगी, बट बिल्कुल टाइम नहीं मिला। इसको मैं बस ऐसे सर पे रख लूँगी एंड बस। इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता ऐड करना चाहिए, चूड़ी भी यही वाली चल जाएंगी। बस चेतन आ जाए, अब चेतन का वेट कर रही हूँ, मुझे दोनों की भूख लग गई है ऑलरेडी। आई थिंक कितना बज रहा है, 9:30 हो चुके हैं, अब तक तो आया नहीं है, देखते हैं कितना वेट कराएगा। और ये इसका हर बार का है, मतलब हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये मुझे वेट ज़रूर कराता है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो वेट करते हैं, जैसे ही आता है पूजा करेंगे और फिर उसके बाद पेट पूजा करेंगे। पानी पिलाना मुझे, पैर वैर कहाँ छुएगी भाई, गिर जाएगी ना भैया, मेरे हम करवाते हैं काम जल्दी। कोई यूँ कहेगा नहीं कैसे पति है पैर छुआ, किसी के कहने से भाई फेमिनिज्म है ना इंडिया, बोर्डन लड़की बोर्ड का पीती है। एक चांद उधर एक चांद इधर और अर्ध दिया जा रहा है चांद को, ये देख लो नई ड्रेस पहन के। और यहाँ मैं अभी भी जिम से आया हूँ, मैं अपना प्रोटीन पी चुका, अपने लिए भी रख ले पीने का हैं। अच्छा ये वाला गिलास, अच्छा ये वाला है इसका पीने का, ये है भाई साहब इसका पीने का, मैं सोच रहा इसी लोटे में पीने, मेरी परिक्रमा करनी होती है, चांद की करनी होती है तेरी परिक्रमा क्यों करूं, ताकि मैं यही एक ही जगह पे रहूं, कहीं और मुंह ना पै गए इसमें। थैंक यू, हां जी चलो जी करवा चौथ फाइनली डन। चेतन ने फास्ट नहीं रखा तो इसलिए मैं उसको नहीं पिला रही हूं। नहीं मैंने, मैं अभी प्रोटीन पी के आया हूं, बता दिया मैंने तो, मैं तो अभी भी प्रोटीन पी के आया हूँ भाई जिम से आने के बाद। मैंने ऊपर जिम से आने के बाद ऊपर छत पे आने का भी मेरे को लग रहा है 15 मिनट हो जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, क्यों लेट करा, मैंने आते ही पहले प्रोटीन पिया फिर मैं ऊपर आया। मैंने बताया ना हर साल मैं इसके लिए वेट करती हूँ किसी ना किसी रीजन की वजह से, इस साल भी इसने वेट ही करवाया भाई। पता है क्या, अखबार अखबार वाले सारे बेवकूफ हैं, सुवर कहीं के गूगल पूगल में सब में लिख रखा 8:09 पे चांद लिखेगा, कै बजे लिखड़ा तो हमेशा ही 9:30। अरे भैया हमें क्या पता, गूगल में लिख रखा कि 8:09 पे लिखेगा, मगर चल 8:15 लिख जाएगा, 8:30 लिख जाएगा, वो कति भैंस के 9:30 बजा दिए, मगर इतने तो मैं जिम कर आऊंगा। चलो कोई नहीं, खाना खाते हैं फटाफट।